लास्ट टाइम, फिर उसमें एक मजे की बात यह है कि इब्राहिम की दो औलादे हैं एक नस्ल आ रही है इस्माइल से दूसरी आ रही है इसहाक से इस्माइल से मुतालिक ख्वाब है ज़िबा वाला इसहाक की नस्ल में ख्वाब है भाइयों वाला और रसूल वसल्लम दोनों नस्लों की तकमील है असल में क्योंकि जो बनी इसराइल को दिया गया उसकी तकमील भी हमारे रसूल हैं, उनके आखिरी रसूल आए ईसा और ईसा जाने से पहले कह गए अहमद आ रहे हैं और इस तरफ थे इस्माइल जिनकी जिनकी जबान से दुआ निकलवाई कि एक रसूल भेज दें तो उन दोनों की तकमील और दोनों के खाब मिलकर आकर रसूल साइसम के खाब में आकर जुड़ते हैं आमीना तकदीम और तखीर ये भी बड़ी अजीब कुरान की कुरान के अजय में से है तकदीम और तखीर मैं पहले समझाता हूँ तकदीम और तखीर होती क्या चीज़ है कौन सी चीज पहले कौन सी चीज बाद में ठीक है कौन सी चीज पहले कौन सी चीज बाद में जैसे मैं कहूँ सूरज और चांद मैंने सूरज पहले कहा चांद बाद में कहा अगर मैं चांद और सूरज चांद पहले सूरज बाद में यह है तकदीम और तखीर कुछ दफ़ा होती है तकदीम तखीर अलफाज की अ, अल्फाज के मामले में कभी कभी जुमले के हिस्सों के मामले में होती है वो उर्दू में मुझे मुझे समझाना मुश्किल होगा लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा अगर मैं कहूँ मैंने खाना खाया मैंने खाना खाया इस तरतीब में आप कुछ तब्दीलियाँ भी ला सकते हो कैसे कह सकते हो खाना मैंने खाया मैंने खाया खाना अब उधर अदल बदल कर सकते हो बात तकरीबन एक ही है या तो बिल्कुल ही एक ही है कुछ जरा अजीब लगेगी कुछ सही नॉर्मल लगेगी लेकिन आप बात मुख्तलिफ अंदाज से उर्दू में कर सकते हो जुमले के जो मुख्तलिफ अज़ा हैं उसको आप अदल बदल कर सकते हो तरतीब में तब्दीली ला सकते हो ऐसा ही है ना अरबी में क्या है कि जब आप तब्दीली लाते हो ना तरतीब के अंदर तो उसमें मायने में फ़र्क पड़ जाता है मायने में फ़र्क आ जाता है तो उसकी अब कुछ मिसालें हम देखेंगे कि, कि तरतीब एक, एक तो है नॉर्मल तरतीब जैसी होनी चाहिए जैसी तो है उससे हटाकर अगर करोगे ना तो उसमें खास मायने का इजाफा हो जाता है तो उसकी एक मिसाल है ई का नाअदू व ई आ का नस्ताइन वो आसानी से हम शुरू कर रहे हैं असल में है ना का व नस्तिन का तो वो जो का है उसको पहले ले आए पहले ले आए तो वो अकेले से खड़ा हो नहीं सकता उसके लिए ई आ लगाना पड़ता है ईया का असल में कोई मायना नहीं है लेकिन का का मसला ये है कि वो कुर्सी के बगैर रह नहीं सकता उसको किसी ना किसी पे टेक लगा के खड़ा होना होता है तो उसके लिए अरबी में क्या चीज की ईजाद है ईया तो या का तर्जुमा कुछ नहीं होता वो सिर्फ एक कुर्सी है का के लिए ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन असल में ये नहीं था असल में आम उसलूब क्या है अरबी का, का नस्ताइन का तो पहले लाने से क्या हुआ हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं इसमें सिर्फ का इजाफा हो गया सिर्फ और सिर्फ तेरी मदद मांगते हैं अब इस बात को याद रखना अगली मिसाल देखते हैं फुद यहां पर असल में था फाबुद अल्लाह अल्लाह की इबादत करना अल्लाह की इबादत करना वक्म मिन शाकिरिन और शुक्र गुजारों में से होना लेकिन यहां पर अल्लाह का लफ्ज़ पहले ले आए अल्लाह का लफ्ज़ पहले ले आए अगर पहले ले आओ तो से तो क्या मायने में क्या इजाफा होता है सिर्फ का इजाफा और भी होते हैं लेकिन इन मिसालों में सिर्फ का इजाफा है यानी इबादत करना सिर्फ अल्लाह की अगर कहूं ना अल्लाह की इबादत करना अगर कहूं बस फिर सिर्फ अल्लाह की इबादत करना अच्छा दूसरा जुमला क्या है वह कुम मिन किरीन मैंने क्या कहा शुक्र गुजारों में से होना अगर कहा होता ना मिनशाकिना अगर मैं बदल दूं तो मैंने पता क्या होता सिर्फ शुक्र करने वालों में से होना अब ये एक तो एक दफा नॉर्मल आखिरी वाले हिस्से में नॉर्मल तरतीब है पहले वाले हिस्से में अब नॉर्मल तरतीब है नजर आ रहा है अजीब बात यह है कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की होती है ना लेकिन शुक्र सिर्फ अल्लाह का नहीं होता शुक्र वालदेन का भी होता है कि नहीं शुक्र उस्ताद का भी होता है कि नहीं शुक्र किसी भी एहसान का होता है कि नहीं मल्लम यशकुर मल्लम यशकुर यशु जिसने लोगों का शुक्र नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र नहीं किया तो अगर कहा होता कि सिर्फ शुक्र करने वालों में से बन जाओ या सिर्फ अल्लाह का शुक्र करना तो बात गलत होती तो यहाँ एक दफ़ा भले फुम बना शाकिन कहते हैं यादी आमनु कुल तय्यबा तीमार जकनाकुम अहल ईमान ईमान वालों जो बाक और अच्छी चीजें तुम्हें रिस्क में दी गई हैं उनमें से खाया करो और फिर कहते हैं अल्लाह का शुक्र करो इनकुन तुम या हो फाबुदोन असल तर्दीब होती ही इनकुन तुम ताबुदू हो इनकुन तुम ताबुदू हो लेकिन हु को पीछे ले आए उनकुन तुम ई या हो तो यहाँ कहा है अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो तो शुक्र में सिर्फ नहीं लाए और इबादत में सिर्फ ले आए वही बात जो मैं पहले बता रहा था क्यों और पिछली बात रह गई अगर कहा होता है मिनत ना कौन सिर्फ शुक्र गुजार बनने वालों में से बनो तो हमें तो सोचने वालों में से भी होना चाहिए तदप्पुर करने वालों में से भी होना चाहिए अदल करने वालों में से भी होना चाहिए इल्म सीखने वालों में से भी होना चाहिए सच बोलने वालों में से भी होना चाहिए सिर्फ शुक्र करने वालों में से तो नहीं होना चाहिए ना। अगर सिर्फ़ का लफ्ज़ वहाँ आ जाता तो बाकी सारे औसाफ की नफ़ी हो जाती तो यहाँ पर भी शुक्र करो अल्लाह का लेकिन सिर्फ अल्लाह का नहीं लेकिन इबादत करो सिर्फ अल्लाह की इसी तरह हुआ ये मेरा फेवरेट है आमन्ना बिही आमन्ना बिही हम उस पर ईमान लाए वही तो तवक्कलना और सिर्फ उस पर तोल किया अगर कहा होता ना आमन बिही व तोल ना आदई ही व तोल ना तो तो तरतीबे जैसी होती उस पर ईमान लाए उस पर तो्क्ल किया लेकिन ईमान पे सिर्फ नहीं लगाया और तवक्ल पे सिर्फ लगा दिया ईमान पे सिर्फ ना लगाने का क्या फायदा अल्लाह पर ईमान लाना है उसके रसूल पर ईमान लाना है उसकी किताबों पर ईमान लाना है उसकी क़दर पर ईमान लाना है उसके फरिश्तों पर लाना है यौन आखिर पर लाना है जन्नत पर ईमान लाना है नार पर बहुत सारे ईमान हैं ईमान सिर्फ अल्लाह पर थोड़ी है अगर कहा होता बिही आमन्ना हम सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाते हैं बात तो गलत हो जाती लेकिन दूसरी तरफ तोल की बात तो किस पे करना है सिर्फ अल्लाह पे आमन्ना भी ही वालै ही तो ना अल्लाह ताला पर ईमान लाने से बाकी ईमानियात का दरवाजा खुलता है लेकिन तोकुल ऐसी चीज़ है उसका दरवाजा खुलता और बंद होता ही सिर्फ अल्लाह ताला पर है वह अल ही ही ना करना अल्लाह अब और तरह की तरतीब ये ज्यादा आसान है वामा खलकन्ना वंसा वा अली आबुदोन् खलतुलजन्ना वल इला मैंने जिन और इंसान को बनाया नहीं सिवा इसके लिए कि, कि वह मेरी इबादत करें सोतारियात किसका जिक्र पहले है खल किसे पहले किया गया था खल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो जो पहले बनाया गया उसका लफ्ज पहले इस्तेमाल होगा इसी तरह कहा वल जान न खलक ना हो मन कबल जन्नात को पहले ही हमने खल किया था यह उसकी तफसीर है अच्छा फिर आगे देखें ला तुबी न थन वला नउम उसको सिना नो अल्फाज सिना होता है नींद नींद और नोम होता है सोना ना उसको नींद पकड़ती है ना उसको सोना पकड़ता है तरतीब मंत्री है क्योंकि पहले आती है क्या नींद फिर आता है सोनासीना वाला الليل वन नहार शम्स वल कमर उसने रात बनाई फिर दिन बनाया और सूरज बनाया और चांद बनाया इन में अजीब तरतीब है एक तो अक्सी तरतीब जिसको अक्सी तरतीब कहते हैं पहला लफ्ज है रात आखिरी लफ्ज़ है चांद तो पहले और आखिरी का ताल्लुक बन गया और दूसरा लफ्ज है दिन और तीसरा लफ्ज है सूरज तो उनका ताल्लुक बन गया एक मिरर बन गया अक्सी तरतीब एक और बात इसमें समझने असल क्या है रात या दिन असल रात असल रात है दिन और रात के दरमियान असल रात है और सूरज और चांद के दरमियान असल सूरज है क्योंकि चांद की रोशनी सिर्फ सूरज पर डिपेंड करती है तो दोनों में असल को पहले लाया गया व नहार व शम्स व खमर इसी तरह वुलुमत व नूर अच्छा سورة سبا آية نمبر دو سورة سبا آية نمبر دو 34-2 يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور یہ آخری مثال ہوگی آج کی باقی کل کریں گے یہ مثال ذرا غور سے سن دینا وہ جانتا ہے جو يعلم وہ جانتا ہے ما और जो जमीन में घुस जाता है वा यख रजुमिन वो जो जमीन से निकलता है अभी ये बातें नोट करनी है आपने याद में रखनी है ठीक है वो क्या जानता है जो जमीन में जाता है और जमीन से निकलता है वामा यो मिन वजुफी हा और जो आसमान से गिरता है और जो आसमान की तरफ ऊपर उठता है जो आसमान से उतरता है और जो आसमान की तरफ ऊपर उठता है पहली बात क्या थी जमीन जमीन के अंदर जमीन से बाहर फिर आसमान से नीचे और आसमान की तरफ फिर कहते हैं वह व रहीमफूर और वो रहीम है गफूर है ये दोनों अल्फ़ाज़ आप जानते हो इसमें कुछ मुनफरद लगा आपको कुरान कभी पढ़ा हो तो कुछ कुछ बात मुनफरिद लगेगी इस आयत में क्या है सत्तर मरतबा क्या कहेगा मेरा रफ غفور رحيم والله غفور رحيم وكان الله غفور رحيم غفور رحيما ان الله هو الغفور الرحيم انه غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم وربك الغفور ذو الرحمة هميشه مغفرت پہلے رحمت بعد میں مغفرت پہلے رحمت بعد میں اس اکیلی ایت میں کیا ہو رہا ہے رحمت پہلے مغفرت بعد میں یہ کیا ہو رہا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں. اس کی اس کی लॉजिक क्या है कि मफफरत पहले और रहमत बाद में असल में इन्ना जल बिलमफदा मुकदम अला जल बिलमसा इन्ना दर अलमफसदा मुकदम अला जल बिलमफसदा आप गंदे ग्लास में पानी नहीं पी सकते पहले क्या करना पड़ता है पहले साफ़ करना पड़ता है इंसान रहमत इस तरह समझे रहमत जन्नत है जन्नत में जाने से पहले सफ़ाई होनी है सफाई कैसे होगी मगफरत तो जहाँ इंसान का जिक्र आता है ना इंसान का जिक्र तो उन आयत में इंसान के जिक्र के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि वो मगफरत करता है और फिर रहमत देता है क्योंकि मगफ़रत का रहमत का रास्ता मगफ़रत से शुरू होता है तो पहले शुरू की बात फिर आखिर की बात यह इंसान की ज़रूरियात में से है अब वापस इस आयत की तरफ आते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे इंसान का जिक्र था वो जानता है जो ज़मीन के अंदर जाता है जो ज़मीन से निकलता है जो आसमान से उतरता है जो आसमान से ऊपर जाता है आसमान की तरफ ऊपर जाता है इंसान के बारे में बात हो रही है अल्लाह के इल्म के बारे में बात हो रही है अल्लाह के इल्म के बारे में अच्छा अल्लाह के इल्म के बारे में अजीब बात देखें जहाँ अल्लाह अपने इल्म का जिक्र करता है ना कुछ कुछ मकाम पर इल्म को अपनी रहमत के साथ जोड़ता है जैसे अहमानल क्रन आयत शुरू हुई है रहमत से, इल्म से। या वो जानता है उसके इल्म में है जो जमीन में जाता है जो बाहर निकलता है यह इल्म का जिक्र मुकदम है तो आखिर में रहमत का जिक्र मुकदम है वह रहीफूर लेकिन यहाँ कुछ और भी हो रहा है इंसान का जिक्र बराह रास्त नहीं है लेकिन है भी ठीक है बीच जमीन में जाता है और फिर वहां से वो निकलता है क्या इंसान भी जमीन में जाता है इंसान भी जाता है क्या इंसान भी ज़मीन से निकलेगा ज़रा सोचना जब इंसान ज़मीन में जाता है ना उस वक्त उसको अल्लाह ताला की रहमत की जरूरत होती है और जिस दिन वो निकलेगा ना तो नहीं उस दिन उसको मगफ़रत की ज़रूरत होगी रहीम अलगफ़ोर रहीम अलगफ़ोर देखिए रह, रहमत का लफ्ज़ रहम से निकला है रहम कहते हैं माँ के पेट को और एक माँ के पेट से निकलने के बाद अब इंसान दूसरे रहम में जा रहा है ज़मीन भी एक रहम है ना अब वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो रहा है असल में पहले ईमान के लिए वो भी एक रहमत है वह रहीम अलगफोर दूसरी बात कही थी जो आसमान से उतरता है आसमान से क्या उतरता है पानी भी उतरता है रिस्क भी उतरता है वही भी उतरती है यही चीजें फरिश्ते भी उतरते हैं ये तमाम चीजें क्या हैं रहमत है अच्छा ऊपर क्या जाता है हमारे अमाल हमारे अमाल किस चीज़ की जरूरत में है किस चीज़ के मोहताज हैं मगफरत के वह سبحان الله سبحان الله एक ही आयत के अंदर ये तरतीब के बदलने से क्या फर्क पड़ जाता है क्या नाजुक बात कही जा रही होती है कैसे कलाम जुड़ता है एक दूसरे से और फिर ये भी देख लें कि इससे फौरन ये दूसरी आयत थी सराय सभा की जो तीसरी आयत है ना इससे फौरन अगली वाली आयत इसमें इंसानों का जिक्र होगा अब देखना इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला के इल्म का जिक्र था और अगली आयत में इंसान का जिक्र है तो ये आयत शुरू इससे क़रीब तरीन लफ्ज़ है रहमत का अर रहीम और ग़फूर का लफ्ज़ करीब तरीन है आगे वाले मजमून से जो इंसानों के बारे में इंसान को मफफरत की ज्यादा ज़रूरत है सुफहानल्ला वह और भी आसमान से नाजिल होता है जी लेकिन अजाब हमेशा नाजिल नहीं होता अच्छा सवाल पूछा आपने अजाब भी तो आसमान से नाजिल होता है लेकिन अगर आप इंसानियत की तारीख देखें और अभी भी देखें आसमान से रोज क्या आ रहा है आज आपका बता है कभी कभार कभी कभार तो असलन क्या चीज असल की तरफ जाना चाहिए हमेशा असल में क्या आ रहा है आसमान की तरफ से असल में अल्लाह की तरफ से रहमत रिज मफ़रत कदर ये चीजें आ रही हैं और फिर कभी कभी यू you नो know, रहमत का दरवाज़ा बंद होता है आपने जिक्र कर दिया तो मेरे जहन में एक और बात आ गई वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ जाने से पहले अल्लाह ताला ने कौमों को जब तबाह किया ना तो इस तरह है कि अल्लाह तो वैसे और रहमान है लेकिन जब कौमें इस हद तक आ गईं कि उन्होंने अम्बिया की रसूलों की तोहन की उनको कत्ल करने की साजिश की अल्लाह के मौजों का इनकार किया उनमें कोई कोई खैर का कोई जरा भी नहीं रहा तो उसके बाद अल्लाह ने फैसला किया कि वो रहमत का दरवाज़ा आर्जी तौर पे बंद करेगा और अजाब का दरवाज़ा खोल देगा अजाब का उसने दरवाज़ा खोला थोड़ी देर के लिए वो कौम बर्बाद हुई अजाब का दरवाज़ा दोबारा क्या हुआ बंद हुआ ठीक है और ये दरवाज़ा आरजी तौर पर कॉमों की तारीख में खुलता रहा जब भी खुला वह कौम ख़त्म फिर खुला वह कौम खत्म फिर खुला वह कौम ख़त्म आखिरी रसूल कौन है रसूल सल्हसम तो अगर अल्लाह की सुन्नत में हम अल्लाह ताली कहते हैं वलंदजी सुनत लब्दीला अल्लाह की सुनत में कोई तब्दीली नहीं आएगी अल्लाह की सुनत में कोई तब्दीली नहीं आएगी अच्छा मक्के के दौर में क्रैश जो काफिर थे जो दुश्मन थे रसूल के सल्लि व उनको बार बार कहा जा रहा था मैं तुम्हें ऐसे धमाके की धमकी धमाके से डरा रहा हूँ जैसा कि आद और सबूत पर आया था तो मैं फिरौन की मिसाल से डरा रहा हूँ नूह no. की मिसाल से डर रहा ऐसी बात है ना यानी कुरान ये बात कर रहा है कि तुम लोगों में और उन कॉमों में कोई फ़र्क नहीं है तो अगर फ़र्क नहीं है तो जब अजाब का टाइम आएगा तो उनके साथ भी क्या होना चाहिए वही चीज़ें उनके साथ होनी चाहिए अल्लाह की सुन्नत है कि जो कौम रसूल की मुखालफत करती है रसूल के खिलाफ इकदाम करती है उसको मारने की कोशिश करती है उसको तो इस दुनिया में सज़ा मिलनी ही मिलनी है ऐसा ही है ना तो अल्लाह ताला ने क्या किया अल्लाह ताला ने जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह ताला ने सूरत तोबा नाजिल की सूरत तोबा कुरान की वाद सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। आपने नोट किया होगा वो क्यों क्योंकि ये जिस तरह नूह के नूह सलाम के दौर में जब सैलाब आना शुरू हुआ था ना तो रहमत का दरवाज़ा बंद किया गया था तो सीरत में रहमत का दरवाज़ा बंद करना उन लोगों के लिए जिन्होंने रसूल इसम के साथ जुर्म किए हैं उनका दरवाजा बंद करने के लिए कौन सी सूरत आई सूरत तोबा लेकिन एक अजीम फर्क के साथ अजीम फर्क के साथ जब सैलाब आ जाता और सैलाब का पानी यहां तक पहुंच जाता नाक तक तब अल्लाह के आजाब को रोकते हैं और कहते हैं अच्छा आप समझ में आ गई आइंदा सीधे हो जाना और फिर पानी दोबारा नीचे चला जाता है ऐसा होता था ना आसमान से जब आग बरसती थी या जल्जला आता था तो आधा आधी बस्ती बर्बाद हो गई बाकी आधी से कहा अब समझ में आई है ऐसा होता था एक दफा अजाब आ जाए तो क्या रुकता है वायक थी हम बखदत उन पर पूरा पूरा अचानक आ जाता है अल्लाह ताला तूरत तोबा में कहते हैं यह वाहरत है जहां लड़ने को किताल को अजाब कहा गया है वरना जिहाद जो है ना लड़ना ये एक इबादत है और इसका मकसद जो है वो अदल है किस्त है लेकिन सूरत तोबा में जो कतल करने को कहा है ना मुशरक़ उनको कहा है कातिलो हम हम आईदी कुम उन्हें मारो अल्लाह उनको सज़ा दे रहा है तुम्हारे हाथों से यानी जो पुरानी पुराने किस्सों में जो जो सैलाब के ज़रिए से सज़ा होती थी जो तूफ़ान के ज़रिए से सज़ा होती थी अब मक् में वो सज़ा सहाबी की तलवार के ज़रिए से आ रही है और उसके मुस्तक कौन है जिन्होंने रसूल के खिलाफ उसके होते हुए साजिश की जैसे नूह असल्लाम के दौर के कुफार, फिर और और, और काफिरों जिनका जिक्र है कुरान में अच्छा अब तलवार यहां तक पहुँच गई जब सजा यहाँ तक आ जाए तो रुकती है पहले कभी रुकी है पहले नहीं यहाँ क्या कहते हैं फसी उफिल अर्दी और बता अशन अच्छा जाओ जमीन में चार महीने और घूम लो फिर लो जाओ चार महीने की छुट्टी है तुम्हें अजाब आ गया है अजाब आ गया है अजाब पे पॉज का बटन दबा के कुरैश से कहा जाओ सोच लो चार महीने के बाद अगर लड़ना है तो वापस आ जाओ लड़ने ये जान लो अल्लाह को तुम अब आजज़ नहीं करोगे अल्लाह वालमुम वा, वा गैरज़िल्ला अब यह नहीं होने वाला अगर चार महीने में तुमने कहीं भाग के कहीं निकल जाना है निकल जाओ अगर चार महीने के दौरान सोच समझ के इस्लाम कबूल करना है तुम्हारी मर्जी है और लड़ना है तो तुम्हारी मर्जी है लेकिन मुजरिम तुम हो सज़ा तुम्हें मिलनी है अगर ऐसा नहीं हुआ तो लेकिन तुम्हें फोर्स नहीं किया जा रहा कि तुम फ़ौरन इस्लाम कबूल करो और यह भी नहीं कहा जा रहा कि अभी अभी लड़ो चार महीने की मोहल्लत कभी हुआ है तारीख में कभी भी नहीं हुआ और फिर उसके बाद कुछ मुशरक ऐसे थे जिनको कुरान कभी सुनने को नहीं मिला वो जैसे होता है ना कोई लोग जो है वो बाहर सियासत में नजर रखते हैं और उनको बाहर की खबर होती है और कुछ लोग घर बैठे प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं सारा दिन उनको तो नहीं पता होता क्या हो रहा है बाहर एक बंदा है वो बाहर निकला मक्का जो है वो बिस्लाम नाफिज हो गया है सारे बुट टूट चुके हैं कहते ये क्या हो रहा है कुछ हुआ है तो तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है थे तुम यार वो यार मैंने नई गेम खरीदी थी वो तो अब तो देखो अब चार महीने चार, कि, चार महीने किस बात के भाई वो यार तुझे पता ही नहीं है मुझे तो नहीं पता मैं जाके अथॉरिटी से बात करता हूं अथॉरिटी उस वक्त कौन हो गए थे सहाबा कर राम रसूल सालम तो अल्लाह ताली कहते हैं वद मिनरक़िन अगर मुशरकों में से कोई आता है आपके पास आपकी पनाह लेने तो उसको पनाह दें यहाँ तक कि वह अल्लाह का कलाम ना सुन ले और कलाम सुनने के बाद उसको किसी ऐसी जगह ले जाए जहाँ वो अपने आप को हिफाज़त में महसूस करे ताकि उस पर कोई प्रेशर ना हो और विए कि लोगों को पता नहीं था अल्लाह ताला उनकी तरफ से हमें बता रहे हैं देखो इन, इन पे जरा हाथ हल्का रखना इनको पता नहीं था इनको किसी ऐसी जगह ले जाओ कि ये डर में ना हो ये खुद ही सोचकर इस्लाम लाएं अगर लाना चाहें तो सुनने दो कलाम को और उनको कहीं अच्छी सेफ जगह पर पहुंचा दो अजाब वाली सूरत में भी अजीब रहमतें हैं जो कभी किसी और नबी को दी गई कि नहीं कभी भी नहीं कभी भी नहीं खालिस हमारे नबी को दिखे सलाम अब अजीब मोर्जा देखें कुरान का जिस सूरत में अल्लाह ने अपनी रहमत का जिक्र नहीं किया बर रास्त बिसमिल्ला से शुरू नहीं होती बल्कि बारात से शुरू होती है बारात कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे साथ कोई अफिलियशन नहीं है उस सूरत की आखिर पढ़े क्या पढ़ेंगे खदजाकुम रसूल बिन अनफी कुम आजीजुना मा तुम हरी सुना बिल्मी

सूरत तौबा का समझा गया ये है सूरत जिसकी 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 एनक पहन के हम बाकी दुनिया को समझेंगे सूरत तबा में ख़ास मुजरमों के बारे में बात हो रही है जिन्होंने रसूल के ख़िलाफ़ इकदाम किया है उनके बारे में बात हो रही है अल्लाह तला की तरफ से आने वाले अजाब के बारे में बात हो रही है बात शुरू हुई थी आपने कहा थाबी तो आता है पता है सूरत तौबा किस चीज़ की अलामत है अल्लाह ने जो रहमत का दरवाज़ा बंद करते हैं और अजाब का दरवाज़ा खोलते हैं कभी कभार ना वो आखिरी दफ़ा पता कब हुआ था सूरत तोबा में और उसके बाद से अजाब का दरवाज़ा इंसानियत के लिए बंद कर दिया गया व माँ अब सहमतमी सूरत तोबा भी अल्लाह ताली की बहुत बड़ी रहमतों की अलामत है बहुत बड़ी रहमतों की कि अब के बाद से जैसे कोई रसूल नहीं आना इसी तरह किसी कौम की हलाकत के लिए

फिर इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमें जो सलाहियतें दी हैं उनमें किसकी क़दर हमें ज़्यादा करनी चाहिए यानी जिस चीज़ की क़दर ज़्यादा होती है उसका ज़िक्र पहले होता है क्या चीज़ नंबर वन है क्या चीज़ नंबर टू है तो हमारे बारे में भी अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह ताला ने हमें सुनने वाला और देखने वाला बनाया इस तरह से समझ लें कि जिसका सुनना सही हो गया उसका देखना भी सही हो जाएगा